लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एमपी विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम पर दे रहे जानकारी। लोकसभा की प्राइड के साथ ये प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। प्राइड के माध्यम से 40 से ज्यादा देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं में ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के लंबे अनुभव का लाभ एमपी विधानसभा को मिलेगा। लोगों की सदन से कई अपेक्षाएं होती हैं। सदन की गरिमा और परिपाटी बनी रहे, यह हमारा प्रयास होता है। विधानसभा की कार्यवाही ज्यादा दिन तक चलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सार्थक चर्चा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा सार्थक चर्चा होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है। हमने पिछले सालों से कई नए नवाचार किए हैं। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसमें कीवर्ड डालने पर पुरानी कार्यवाही एक्सेस की जा सकेगी। सार्थक चर्चा के लिए अध्यक्ष ने रिसर्च सेल का भी प्रस्ताव रखा है। लोकसभा के अंदर तोमर के संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए ऑनलाइन कार्यवाही का काम शुरू किया गया है। आज 98% तक सवाल जवाब ऑनलाइन आते हैं। राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा में एक समान संसदीय प्रक्रियाएं हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। नगर पालिका, नगर निगम, राज्य की विधानसभा और अन्य संस्थाएं जो लोकतांत्रिक चुनी हुई है उसमें विशेष रूप से कार्यक्रम किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक लंबा गौरवशाली इतिहास परंपरा रही है। यहाँ के पूर्व अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा बढ़ाई है। विधानसभा अध्यक्ष के नाते तोमर साहब का एक लंबा अनुभव रहा है। राज्य के मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में निश्चित रूप से इसका लाभ राज्य की विधानसभा को मिलेगा और राज्य की जनता को मिलेगा। चुने जनप्रतिनिधियों से जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है, आकांक्षा रहती है और अपेक्षाएं आकांक्षाएं सदन के माध्यम से पूरी करती है। सदन में सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन हमारा मानना है कि विधानसभाएं, विधानमंडल चलना चाहिए। उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी अच्छी परंपराएं, अच्छी परपाटी, इसके लिए लगातार हमारा प्रयास रहता है। हमारा प्रयास ये भी रहता है कि विधानसभाएं अधिक चले, लगातार विधानसभाओं की घंटी संख्या हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए हम आग्रहपूर्वक कहते हैं कि सदन की कार्यवाही ज्यादा दिन तक चलती है और ज्यादा समय तक चलती है। तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी विधानमंडल की रहेगी तो उतने ही बेहतर परिणाम आए, क्योंकि विधानमंडल निश्चित रूप से लोकतंत्र का वो मंच है जहाँ पर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के मुद्दे और विशेष रूप से कानून बनाते समय अगर सार्थक चर्चा होती है तो बेहतर परिणाम आए। हमने इस लोकतंत्र से सामाजिक आर्थिक कल्याण किया, 75 वर्ष के लोकतंत्र की आशा में जो कुछ भी परिवर्तन देशों को देश हुआ इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हुआ। इससे लगातार हमारा प्रयास ऐसा है कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे चुने हुए नए विधायक हो या पुराने विधायक, बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम अच्छी बेस्ट परंपराएं, परपाटियां, आवश्यकता हो तो नियम कानून नियमों में परिवर्तन, ये लगातार प्रक्रिया का हिस्सा रहता है।